हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचआर के एजुकेशन क्लासेस। और आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 27 ऑफ क्लास 9th। तो पहले स्टार्ट करने से पहले ये समझ लीजिए, लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन कैसे होती हैं। जैसे एल पैरेलल, हमें एम गिवन है कि एल एम के पैरेलल है, ये पैरेलल का साइन होता है। और एम पैरेलल एन हमें गिवन है। तो अगर एल एम के पैरेलल है और एम एन के पैरेलल है तो एल और एन भी आपस में पैरेलल होंगे। तो यानी कि एल पैरेलल एम पैरेलल एन, तीनों ही आपस में पैरेलल होंगे। तो इसमें क्या है, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो वो लाइन आपस में तीनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी। अब यहाँ पे हम एंगल समझ लेते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं। जब भी ये, जैसे ये पैरेलल लाइंस गिवन है, ये एल एम एन, ये क्या है, पैरेलल लाइंस गिवन है। और ये जो है, हम इनको इंटरसेक्ट कर रहा है, ये हमारा क्या कहलाएगा, टी ट्रांसवर्सल। इसे बोलेंगे हम ट्रांसवर्सल। जब भी पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल कट करे, इंटरसेक्ट करे, तो ये जो, जैसे यहाँ पे ये एंगल बन रहा है, इसके बाद हमारे पास उसी लाइन में हमारे पास ये एक एंगल छोड़े, यहाँ पे हमारा ये एक एंगल हुआ, यहाँ पे हमारा ये एक एंगल हमने छोड़ दिया और ये है नेक्स्ट एंगल। तो एक एंगल छोड़ के जो दूसरा एंगल बनता है, इसे कहते हैं हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या कहते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। यहाँ पे जो है एक एंगल बना, ये एक एंगल, इसके बाद हमने ये वाला एक एंगल छोड़ दिया और ये वाला एंगल बना। तो ये क्या बन गया, एंगल वन और टू क्या बन गया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और जब लाइन पैरेलल होती है, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं हमेशा। जितना एंगल वन का मेजर है, उतना ही एंगल टू का मेजर होगा। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, जैसे ये पैरेलल लाइन है और इसके यहाँ ये ऊपर बन रहा है, तो ये दूसरी पैरेलल लाइन है, इसके भी ऊपर ही बनेगा। और इसमें एक एंगल का बीच में डिफरेंस होगा, यहाँ से हमने एक एंगल छोड़ दिया, दूसरा ये वाला आया। ऐसे ये वाला एंगल जो है, यहाँ से एक एंगल छोड़ दिया, ये वाला। तो ये दोनों एंगल, एंगल टू और थ्री क्या कहलाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल वन इक्वल टू एंगल टू है और एंगल टू इक्वल टू एंगल थ्री है। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे हमें इसे एंगल, हमें एंगल एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंगल एक्स एम y, हमें x m y निकालना है। तो इसके लिए पहले हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, जैसे नीचे क्वेश्चन में गिवन है फिगर नंबर 2 में। ये कंस्ट्रक्शन हमें करेंगे कि ऐसे करेंगे कि जैसे हमने ये ए बी कंस्ट्रक्ट किया है, कि ऐसे कंस्ट्रक्ट किया है कि ए बी जो है पी क्यू के पैरेलल है, और r, यहाँ पे r r दो बार गिवन है, ये पी क्यू हो गया, ये r s होगा, यहाँ पे मिस प्रिंट है, ये हो गया हमारे पास r s, ये ऊपर फिगर में था r s। तो ये पी क्यू एम ए बी हमने ऐसे पैरेलल खींची कि वो पी क्यू के भी पैरेलल है और आर एस के भी पैरेलल है। इट मीन्स ऑल द थ्री लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। अब हमारे पास ये पैरेलल हो गई हैं, तो अब हमारे पास ये एंगल गिवन है, एंगल क्यू एक्स एम हमें गिवन है 135 डिग्री। तो यहाँ पे जो है ये भी एंगल क्या बन जाएगा, अब यहाँ पे जो है ये, जब हमारे पास दो पैरेलल लाइन हो और ये ट्रांसवर्सल जा रहा हो, तो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के जो हैं दोनों एंगल्स का टोटल हमेशा 180 डिग्री होता है। तो ये हो गया सम ऑफ द एंग, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ये हमारे पास पी क्यू और ए बी जो है पैरेलल लाइन है और ये हमारा ट्रांसवर्सल जा रहा है। तो ये दोनों एंगल जो हैं एक ही साइड पे, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पे बन रहे हैं पैरेलल लाइन पे, तो इन दोनों का टोटल हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री। तो एंगल क्यू एक्स एम प्लस एंगल एक्स एम भी इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसकी ब्रैकेट में हमें रीजन जरूर देना है, वरना हमारे मार्क्स जो है डिडक्ट हो जाएंगे। क्यू एक्स एम हमें गिवन है 135 डिग्री, तो ये हमारे इसमें क्यू एम बी निकालने के लिए हम 180 डिग्री में से 135 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये एंगल आ गया हमारे पास 45 डिग्री। अब हमारे पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अगर हमारे ये वाला एंगल भी पता चल जाए, तो ये हम इन दोनों एंगल का टोटल निकाल लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स एम वाई। अब ये वाला एंगल निकालने के लिए आप देखें, यहाँ पे ये हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल जा रहा है। हमने इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सीखा था, इसमें अल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं, जैसे ये हमारे पास, तो अल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं, जैसे ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल जा रहा है, तो यहाँ पे एक इस साइड और एक उसके अपोजिट साइड में दूसरी पैरेलल लाइन पे बने,
जैसे ये यहाँ बना और ये वाला एंगल यहाँ बनेगा, तो ये क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट एंगल्स, दो पैरेलल लाइन के ट्रांसवर्सल के, एक इस साइड और एक इस साइड। जैसे ये दो पैरेलल लाइन है तो ये एक ट्रांसवर्सल के एक इस साइड बना और एक इस साइड, तो ये क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट एंगल। ऐसे ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, इन्हें बोलते हैं हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ऐसे ही अगर ये बाहर की साइड बने, ये बाहर और ये वाला एंगल बाहर, तो ये कहलाते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ऐसे इस साइड बाहर और ये इस साइड बाहर, इसे बोलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। और ये भी हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ऐसे ही अंदर के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो ये हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। तो बी एम वाई, एंगल बी एम वाई इज इक्वल टू एम वाई आर, तो ये भी 40 डिग्री है, तो ये भी 40 डिग्री हो गया। हमारे पास ये 40 डिग्री आ गया, ये हमारे पास आया था 45 डिग्री। इन दोनों का हम टोटल कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स एम वाई, तो हमारे पास ये आंसर आ गया 85 डिग्री। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमें एक्स वाई की, एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इन फिगर फोर, इफ ए बी पैरेलल सी डी, सी डी पैरेलल ई एफ एंड वाई इज टू जेड इज इक्वल टू 3:7, हमें वाई और जेड का रेशियो गिवन है 3:7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें एक्स की, तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें फिगर गिवन है, ए बी पैरेलल सी डी हमें गिवन है, सी डी पैरेलल ई एफ भी हमें दे रखा हुआ है, और हमें गिवन है वाई इज टू जेड इज इक्वल टू 3:7। अब हम मान लेंगे कि वाई इज टू जेड 3:7, जब भी रेशियो दे रखी हो तो हमने ले लिया लेट वाई इज इक्वल टू 3x और जेड इज इक्वल टू हो गया 7x। यहाँ हमें एंगल का नाम गिवन नहीं है तो हम इसका एंगल का नाम रख लेंगे w। यहाँ पे x y z था, इसका नाम हमने रख लिया w। अब यहाँ पे जो है w इज इक्वल टू जेड है, क्यों है, क्योंकि देखिए ये दो पैरेलल लाइन है और इसे ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ट्रांसवर्सल के जो एक साइड जो है ये W है और एक साइड Z है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन गए और ये क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। तो W इक्वल टू Z, ये क्या हो गया हमारे पास, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब बिकॉज Z इज इक्वल टू 7x, हमने यहाँ पे लिया था लेट Z इज इक्वल टू 7x था, तो यानी कि W भी क्या हो जाएगा 7x, बिकॉज ये बिकॉज का साइन होता है। तो W इज इक्वल टू Z हो गया हमारे पास, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन गई है। तो बिकॉज जेड इज इक्वल टू 7x, ये हमें गिवन था क्वेश्चन में कि जेड इज इक्वल टू, हमने लेट किया था अभी 3:7 रेशो गिवन थी, तो बिकॉज जेड इज इक्वल टू 7x है, तो देयरफॉर, ये देयरफॉर का साइन होता है, तो देयरफॉर w इज इक्वल टू भी क्या हो गया 7x हो गया। अब w प्लस y, तो यहाँ पे फिगर में देखिए ये w प्लस y, w हमने कहाँ लिया था, ये लिया था हमने w, ये w प्लस y, अगर इन दोनों एंगल्स को मिला ले तो ये स्ट्रेट लाइन बन रही है। W प्लस y इन दोनों एंगल्स को कंबाइन कर दिया तो ये पूरे एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन पे हमेशा क्या बनते हैं, लीनियर पेयर बनता है। तो दोनों एंगल्स का टोटल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन हम D में देखते हैं, स्ट्रेट लाइन होती है तो वो कितने डिग्री की होती है, 180 डिग्री। तो W प्लस y इज इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री। और जब दो एंगल्स का टोटल 180 डिग्री होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर। तो हम इसका रीजन देंगे ब्रैकेट में, W प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री और ये क्या बन रहे हैं, लीनियर पेयर। अ स्ट्रेट लाइन भी लिख सकते हैं। तो W की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 7x, तो W की जगह आ गया 7x प्लस y, y की वैल्यू हमने लेट की थी 3x, तो y की जगह आ गया 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 7 प्लस 3 हो गया 10x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x की वैल्यू, ये x के साथ 10 मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ के डिवाइड हो गया, इसे कैंसिल कर दिया, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 18 डिग्री। अब हमने y इज इक्वल टू 3x लेट किया था तो इसमें हमने x की वैल्यू डाल दी, 3:18 डिग्री इज इक्वल टू 54 डिग्री। z हमने लेट किया था 7x, तो 7 इंटू x की वैल्यू क्या आई थी अभी, 18 डिग्री, 7 इंटू 18 हो गया 126 डिग्री। तो हमें अब क्वेश्चन में x की वैल्यू निकालनी थी, तो x इक्वल टू आया था 18 डिग्री, तो यहीं पे हमारा आंसर खत्म हो जाता है। अगर क्वेश्चन मैंने आपको y और z की भी वैल्यू निकाल के दिखा दिया, अगर क्वेश्चन में हमें y और z की भी वैल्यू पूछी जाए तो हम उसे ऐसे फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर टू, इन क्वेश्चन इन फिगर फाइव, इफ पी क्यू पैरेलल एस जी, ये पी क्यू जो है एस जी के पैरेलल है, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री गिवन है, एंड एंगल आर एस जी, आर एस टी हमें गिवन है 130 डिग्री, तो फाइंड एंगल क्यू आर एस, क्यू आर एस, तो हमें यानी कि ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास फिगर है, पी क्यू पैरेलल है एस टी, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री, और एंगल आर एस टी गिवन है हमें 130
30 डिग्री। अब इसमें हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, ये पैरेलल यहाँ गिवन है, हम इस पैरेलल को लाइन को जो है पी क्यू पैरेलल को इसको थोड़ा सा प्रोड्यूस कर देंगे, और कहाँ तक, ये यू तक, इसका हमने नाम रख दिया यू। तो हमें प्रोड्यूस पी क्यू टू यू, पी क्यू को हमने यू तक प्रोड्यूस किया, सो दैट पी यू पैरेलल टू एस टी, ताकि पी यू जो है एस टी के पैरेलल हो जाए। पी क्यू पैरेलल टू एस टी गिवन नहीं था, तो पी उसको हमने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, तो अभी तो पी यू पैरेलल एस टी के ही रहेगा, क्योंकि पी पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, उन दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। एंगल पी क्यू आर, अब हम यहाँ पे एंगल पी क्यू आर, ये पी क्यू आर है, और इस हमने एंगल का नाम, अगर हम एंगल यू क्यू आर, यू भी ले सकते हैं एंगल यू क्यू आर, लेकिन इसमें जो है एंगल का नाम लिखने में आप कई बार बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, तो उसकी जगह बेटर होता है कि आप एंगल 1 2 3 4 ऐसे नाम दे दीजिए। तो यहाँ पे हो गया एंगल 1 नाम दे लिया हमने इसको, इसका नाम दे दिया 2, और इधर वाले एंगल का नाम दे दिया 3। तो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। अब देखिए इन दोनों एंगल्स को अगर हमने मिला दिया, इतना एंगल और ये इतना एंगल, दोनों को मिला दिया, तो क्या बन गया, ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन पे पूरा एंगल बन गया ये हमारा, और डी पी हमारा हम देखते हैं पूरा स्ट्रेट लाइन पे क्या होता है 180 डिग्री, तो ये हमारा बन गया लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, द सम ऑफ टू एंगल्स आर 180 डिग्री, दैट मीन्स इट इज अ लीनियर पेयर। तो ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो सम ऑफ द टू एंगल्स आर इज 180 डिग्री ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन पे जो है दो एंगल्स का टोटल 180 डिग्री होता है। पी क्यू आर प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। तो पी क्यू आर की वैल्यू डाल ली हमने, 110 डिग्री हमें गिवन थी, प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो हमने ये 110 डिग्री यहाँ के माइनस हो गया, तो ये हो गया 70 डिग्री। अब एंगल आर एस टी, आर एस टी हमें गिवन है 130 डिग्री, और एंगल आर एस टी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यहाँ फिगर में देखते हैं, एंगल आर एस टी ये 130 डिग्री गिवन है, आर एस टी ये हमें 130 डिग्री गिवन है, ये दो लाइन पैरेलल हैं और ये हमारा ट्रांसवर्सल जा रहा है, तो ट्रांसवर्सल के एक इस साइड और एक इस साइड, अपोजिट साइड में जो तिरछे एंगल बनते हैं इन्हें बोलते हैं हम अल्टरनेट एंगल्स। तो ये हो गए हमारे अल्टरनेट एंगल्स हो गए, तो एंगल 3 इज इक्वल टू 130 डिग्री, तो जो है ये दोनों एंगल्स हमारे क्या हो गए, इक्वल, जब भी दो पैरेलल लाइन हो, ट्रांसवर्सल जा रहा हो और ऐसे ऐसे तिरछे एंगल बने, एक ट्रांसवर्सल के इस साइड और एक ट्रांसवर्सल के दूसरी साइड, दूसरी पैरेलल लाइन पे, तो ये क्या कहलाते हैं, अल्टरनेट एंगल्स, और ये इक्वल होते हैं। तो एंगल आर एस टी ये वाला एंगल और ये हो गया इक्वल टू एंगल 3, ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, इक्वल, और ये हो गया रीजन इसका। तो ये एंगल 3 और 130 डिग्री के हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स। तो ये एंगल आर एस टी हो गया इक्वल टू एंगल 3 अल्टरनेट एंगल्स। अब एंगल आर एस टी हमें गिवन था ये 130 डिग्री इक्वल टू एंगल 3, तो एंगल 3 हो गया 130 डिग्री। तो ये फिगर में हम यहाँ देखें तो ये हमने एंगल 3 हमने निकाल लिया 130 डिग्री, ये अल्टरनेट एंगल से ये इक्वल हो गया, 130 डिग्री आ गया। अब ये एंगल 2, अब ये भी जो है स्ट्रेट लाइन पे, अगर हम इन दोनों का टोटल कर दें एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो ये स्ट्रेट लाइन पे क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 हो गया 180 डिग्री लीनियर पेयर। 3 की वैल्यू अभी हमने पहले फाइंड आउट करी थी 130 डिग्री, तो एंगल 3 की जगह आ गया हमारे पास 130 डिग्री, तो एंगल 2 की वैल्यू निकल गई हमारे पास 50 डिग्री। अब इन ट्रायंगल आर क्यू यू, अब इन ट्रायंगल आर क्यू यू, अब हम इस ट्रायंगल में जो हम अगर हम देखें, यहाँ पे हमने एंगल 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, एंगल 2 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है, हमें ये वाला एंगल निकालना है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल से हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। अब हमारे पास क्यू आर यू हो या क्यू आर एस कर दे, इस लाइन को इंक्रीज कर गए, एंगल तो हमारा यही रहा क्यू आर यू या फिर क्यू आर एस, तो हमने इस लाइन को ही बस इंक्रीज किया, एंगल हमारा इतना ही बन रहा है, तो इस एंगल सम प्रॉपर्टी से जो है हम इस एंगल को निकाल सकते हैं। तो इन ट्रायंगल आर क्यू यू, इस ट्रायंगल में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल क्यू आर यू इज इक्वल टू 180 डिग्री अल्टरनेट सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ये हमें ब्रैकेट में रीजन देना बहुत जरूरी है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल से, क्योंकि तीनों एंगल का टोटल क्या होता है ट्रायंगल में 180 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी 70 डिग्री, प्लस एंगल 2 भी हमने निकाल लिया था 50 डिग्री, प्लस एंगल क्यू आर यू को हम क्यू आर टी भी निकाल सकते, क्यू आर यू को हम एंगल क्यू आर टी भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, एंगल क्यू आर टी इक्वल टू 180 डिग्री।
तो ये हो गया 70 + 50 120 डिग्री। अब ये उधर जाके हो गया माइनस हो गया, तो ये आ गया हमारे पास 180 - 120 60 डिग्री आ गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपको अपडेट, इसकी नेक्स्ट अपडेट अपने आप मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।